एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका हमारे चैनल गुड़िया फैमिली ब्लॉग में। और कैसा है आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं, भी ना भी हैं। और अभी ना सुबह के 6 बजे हैं और मैं ना सो के उठ गई हूँ और मेरी आंखें जो है अभी नहीं उठी हैं, यानी आँखों में ना अभी भी नींद पूरा भरा पड़ा है क्योंकि रात को ना बस सो ही रही रात को ना मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। 12, 12:30, 1:30 ऐसे बज जा रहा है, मुझे नींद आ ही नहीं रही आजकल। नींद ना आने की वजह से तो नींद आ नहीं रही और सुबह में नींद खुल नहीं रही। और पति देव की ड्यूटी होती है तो ड्यूटी के लिए तो भाई आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। और अभी आजकल फिलहाल काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं तो सब मुझे देखना पड़ रहा है। बीमार तो हूँ तो जब मैं बीमार में काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत भी काम कर रही हूँ, तो फिर वीडियो में क्या दिक्कत है। मैं सोची कि बहुत दिन वीडियो हो गए बनाए हुए, चलो बना लिया जाए फाइनली। और अभी तो शादी के ब्लॉग्स जा रहे हैं, मैं ना बिल्कुल रीति रिवाज पूरा सही डाल रही हूँ ताकि आप लोग ना फुल एंजॉय करें। आप लोग जब ये वीडियो देखें ना शादी का, तो आप लोग को ऐसा लगे ना कि हम शादी में गए हुए हैं। तो इस वजह से मैं इसमें कट पिट कुछ नहीं कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी नहीं कर रही हूँ, जैसा जो है वही थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, नीड हो रही है कि यहाँ पर करना है। तो मैंने इंट्रो में ही 2 मिनट खा गई तो चलिए अब चलते हैं। चाय अभी मैं ब्रश करूँगी, फ्रेश होंगी, फिर ब्रश करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, फिर खाना में लग जाऊँगी क्योंकि पतिदेव जी की ड्यूटी है तो करना ही है। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी भी मेरे साथ ही उठती है तो इसे भी उठा लिया है, तो ये भी बैठी हुई है। तो चलिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पहले मैं ब्रश कर लूँ क्योंकि मैं सो के उठती हूँ ना, ब्रश नहीं करते तो मेरा मन अजीब होता है। मैं पहले सोते के साथ अभी भी जबाई आ रही है, बहुत अजीब हाल है। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना किचन में आ गई हूँ क्योंकि जब मैं ब्रश करूँगी तब तक इधर चाय रख दूंगी और दाल भी मुझे रखनी है। और मेरे डालने से पहले मैं दाल बना लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आती है ना, तो ऐसे लेट हो जाता है। और अभी हल्की हल्की ना ठंड है थोड़ी थोड़ी, तो चलिए हम चाय तब तक बना लेते हैं और दाल मैं रख देती हूँ। एवरीवन, यहाँ नहाने जाने से पहले मैं सोची कि दाल और चाय रख देती हूँ क्योंकि दाल चाय जब तक होंगे तब तक मैं नहा धो के आ जाऊँगी। और थोड़ा सा स्लेप और किचन गंदा है, गंदा नहीं, लहसुन के छिले हुए रखे हुए हैं, तो आप ना इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, अभी मेड आएगी तो साफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखिए दाल, सिर्फ सादा दाल बनाती हूँ, अरहर की रख दी हूँ, उसमें एक टमाटर कट करूँगी और हल्दी और नमक डालूँगी और इसको ना बस जीरे के तड़का छौंक लगा दूँगी क्योंकि रोज़ फ्राई दाल नहीं बनाती हूँ। कभी कभार होता है जैसे हफ्ते में एक दिन बन गया या 15-20 दिन पर एक दिन बन गया ऐसे, लेकिन रोज़ सादा दाल ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ डाल के और रख के फिर चली जाती हूँ नहाने ताकि मेरा काम जब तक हो और यहाँ मेरी चाय भी हो चुकी, तो मिलती हूँ नहा धोवा के। तो अभी वन देखिए मैं नहा के आ गई और जब तक मैं चाय रखी, दाल रखी ना, तो मैं सोची कि चलिए मैं लगे हाथ नहा लेती हूँ क्योंकि नहा लेने से ना मेरा काम हल्का हो जाता है और पता नहीं कि यहाँ पर दर्द कर रहा है, काम हल्का हो जाता है। और मेरी तबीयत खराब से ना मैं जब अभी कर लेती हूँ चीज़ें ना तो कर लेती हूँ, फिर बाद में बुखार चढ़ने से ना मेरे से कुछ नहीं होता है। तो मैं अभी जस्ट नहा के, तो मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने अपने स्किन केयर रूटीन कर लिया और सुबह सुबह मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, बस टोनर और पॉन्ड्स का ना लाइट वेट जो जेल आया हुआ है मॉइस्चराइजर वो यूज करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा है। मैं हाल ही फिलहाल से यूज करना शुरू की हूँ, मैं लैक्मे पिच मिल करती थी
तो वो करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, मतलब विटामिन ई उसमें है ना, तो फेस पे ना जो दाग धब्बे है ना वो हट रहे हैं, और देखिए बस इसके से ही ना ग्लो आ गया है। तो मैं अभी अपना अमेजन हॉल शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मुझे उसमें क्या क्या मंगाया है। तो चलिए अभी हम पी लेते हैं चाय। तो एवरीवन यहाँ पे आ गया था पेपर, और थोड़ा सा मैं पेपर देख रही थी, मेरी आदत है पेपर आता है तो चाय के पीते के साथ थोड़ा सा पेपर देख लेती हूँ। और नंदनी कुछ बोल रही थी तो उसमें मुझे बहुत जोर की हंसी भी आ रही थी, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, हम पी रहे हैं चाय। तो चलिए मिलते हैं। सब्जी भी काट ली और दाल भी निकाल दी, और यहाँ कढ़ाई में तेल डाला, उसमें पंचफोरन मैंने डाल दिया। अब इसमें डालूंगी तेजपत्ता और थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक और लहसुन कूटा हुआ है, अदरक लहसुन कूट दी हूँ मैं, इसे डाल दूंगी। और साथ ही इसमें डाल दूंगी प्याज और हरी मिर्च। इस तरीके से आलू पालक की सब्जी बनाइएगा ना तो बिल्कुल टेस्टी लगता है, कम स्पाइसी कम मसाले डाल के। तो यहाँ मैं प्याज और हरा मिर्च डाल दी हूँ। ये हरी मिर्च आपको ढेर सारा दिख रही है लेकिन ये बिल्कुल तीखी नहीं है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज हमारा, तो मैं इसी में डाल दी आलू। और मुझे ना बिना छीला हुआ आलू, छिलके वाला आलू और पालक या आलू या बैंगन की सब्जी बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से खास कर बनाइएगा तब। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई करने के साथ, बहुत तेज नींद आ रहा है मुझे, यहाँ पे आलू और फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से आलू फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें देखिए हल्दी डालूँगी, कश्मीरी मिर्च डालूँगी, फिर उसके बाद मिक्स मसाला डालूँगी थोड़ा सा, और ये मिक्स मसाला डाल दिया मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने घर का गरम मसाला जो बना हुआ है ये देखिए थोड़ा सा डाल दूँगी, और बिल्कुल एक चम्मच मसाले डाल रही हूँ ताकि सब्जी, और चाट मसाला, चाट मसाला मेरा मस्ट है हर एक सब्ज़ी में, आप देखेंगे मैं चाट मसाला डालती हूँ या जलजीरा पाउडर, बहुत टेस्टी लगता है, इससे सब्जी में थोड़ा सा खटापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं डाल दी पालक, मसाले मैंने भून लिया उसके बाद मैं पालक डाल दी, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये देखिए अब इसे ना हम बिल्कुल कम पानी डालेंगे क्योंकि पालक टमाटर तो ऑलरेडी पानी छोड़ देगा, और हमें रसेदार सब्ज़ी नहीं, थोड़ा सूखा सब्ज़ी बनाना है, बहुत टेस्टी इस तरह से बनता है। उसके बाद यहाँ पे डाल दी नमक, और बहुत नींद आ रही है मुझे, और यहाँ पे मैं डाल दी नमक, वीडियो मेरी लेट से जा रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी। और उसके बाद मैं डाल दी कस्तूरी मेथी। तो मेरा सब्जी में सब कुछ डाल दिया, रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद जो है ना इसे ढक देंगे ताकि ना ये, और थोड़ा सा गैस को हल्का सा मीडियम रख देंगे तो सब्जी जो है ना अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पे मैं दाल में तड़का मार रही हूँ, ये देखिए बस मैंने तेल डाला, जीरा डाला और सूखी मिर्च, और मैं छौंका लगा दूंगी। तो यहाँ से मेरा खाना कंप्लीट हो जाता है, और उधर सब्जी बन रही है, तब तक मैं इधर क्या है ना कि पराठे बना लूँगी, गिन के मैं दो पराठे बनाऊँगी सिर्फ पति देव को टिफिन देने के लिए, वो दो पराठे ही ले जाते हैं, और लेकिन हाँ थोड़ा दो पराठे बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पराठे मैं बना रही हूँ, ले जाने के लिए, और अपने लिए मैं दो रोटी बनाऊँगी, उसके बाद मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं म्यूजिक लगा देती हूँ आगे।
रेस्टोरेंट से यहाँ पे मेरा रोटी बन चुका है। मैंने बस दो रोटी दो पराठे बनाए और यहाँ पे पैक टिफिन कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा दही डाल दी, थोड़ा सा मैं सब्जी दे दूँगी, सब्जी बन रही है और पराठे मैंने दे दिया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो एवरीवन, खाना बन गया फाइनली मेरा और अभी बज गए हैं पूरे 9, सुबह के 9 बज रहे हैं। और आज मैंने आप लोग साथ शेयर किया कि मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ बीमार होते हुए भी, अकेले होते हुए भी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं अकेली हूँ फ़िलहाल, खाना बनाने वाला कोई है नहीं और अभी कुकिंग मुझे करनी पड़ रही है और इसमें तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। मुझे फीवर अगेन जो हो रहा है ना, बिल्कुल छोड़ नहीं रहा। और अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं तो मैंने खाना रेडी करके उनको खाना दे दिया है और मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है और नाश्ते में मैं दो रोटी ली हूँ और थोड़ी सी आलू पालक की सब्ज़ी जो बनाई वो ली हूँ। और बिल्कुल मैं दो रोटी बनाई ही थी क्योंकि आटा इतना ही था और मेरे लिए बहुत काफ़ी है दो रोटी ही, मुझसे इससे ज़्यादा भी नहीं खाया जा रहा है। मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट कर ली हूँ और बहुत अच्छी सब्ज़ी टेस्टी बनी थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आलू पालक की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी बनाया। अपने पतिदेव जी के लिए मैंने पराठा, दही, सब्जी टिफिन पैक कर दिया क्योंकि ना अब थोड़ा सा यहाँ पे गर्मियों का सीज़न मतलब चालू हो रहा है। अभी तो नहीं, अभी तो हल्का ठंड ही लग रही है, अभी तो पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा है। बट थोड़ा सा दही रहने से क्या है ना कि उनका खाना मतलब अच्छे से हो जाता है, कम्प्लीटली हो जाता है। तो दही हमेशा अपने घर में मैं बनाती हूँ और फ्रिज में रख देने से दही ख़राब नहीं होती। तो बस आज का मेरा कुछ का यही सुबह का मॉर्निंग का रूटीन था। सुबह उठने के बाद ना मतलब जैसे ड्यूटी जब रहती है ना तो ऑफिस जाना होता है ना, तो भागम भागम दौड़ हो जाता है। अब कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि 5:30-6 बजे सो के उठ जाऊँ लेकिन मुझे नींद नहीं खुल रही क्योंकि रात को नींद पूरी अभी आजकल फ़िलहाल ना मुझे नींद ही नहीं आ रही है। 12-1 बजे तक फिलहाल नहीं हूँ और अगर मेरा भेलौर जाने का टिकट कन्फर्म हो चुका है, किस दिन जाना है कब जाना है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा क्योंकि अभी से रिवील नहीं करूँगी कि हाँ मुझे इस दिन जाना है। बट टिकट हो गया है हमारा, हमें जाना है और क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। मुझे जनवरी मंथ में ही जाना था बट किसी कारणवश नहीं जा पाई और शादी में चली गई, तो अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगी। और क्या कहूँ, तबीयत सही नहीं चल रही है लेकिन जो घर का कुछ काम होता है हम लोगों का ना, वो काम तो छूटता है नहीं। चाहे आप बेड पे पड़ो, चाहे आप बीमार रहो, चाहे आप मरो, चाहे जियो, कुछ काम आपको जो है करना ही करना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं और मुझे मतलब बनाना है और बिल्कुल मेरे से बन नहीं रहा है। फिर मैं थोड़ा बहुत कर करके अपना काम कर रही हूँ। कुछ दिनों के लिए तकलीफ है, 15-20 दिन के बाद फिर अगेन मेरा रेस्ट का हो जाएगा क्योंकि मुझे अभी रेस्ट पे ही रहना, नहीं तो मेरी जो पेट का जो जख्म है ना वो बढ़ भी सकता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट में ही रहती हूँ। और हालांकि मेरा ना पड़े पड़े मन उब जाता है, अब तो सोच रही हूँ कि चलिए मैं ब्लॉग ही अपना स्टार्ट कर दूँ, डेली अब डालूँगी ब्लॉग, बैठे भी पड़े भी थोड़ा बहुत मैं वैसे बना के डेली डालूँगी। और दोस्तों क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से इसको वॉच कीजिए। और हाँ, मेरा कुकिंग चैनल है गुड़िया कुकिंग, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ थोड़ा सा सब्सक्राइब करें क्योंकि उसका वॉच टाइम जो है ना 4000 घंटा कंप्लीट हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट होता है 4000 घंटा कंप्लीट करना, तो वो मेरा 4000 घंटा कंप्लीट हो गया। बस थोड़े से सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी जाए ताकि मेरा चैनल मोनोटाइज हो जाए और मुझे बहुत खुशी मिले क्योंकि मैंने उस चैनल में बहुत मेहनत किया है, बहुत वर्क किया है। मैं डेली कुकिंग करती थी, बीमार की वजह से वो चैनल मतलब मेरा कुकिंग बंद है। कुकिंग तो नहीं करूँगी बट उस पर भी मैं ब्लॉग ही डालूँगी, कुछ इस पर ऐसे करके डालूँगी क्योंकि कुकिंग तो मुझसे हो नहीं रही जो मैं हर एक कुकिंग आपके साथ करूँगी। तो यही था, मैं सोची बहुत दिन हो गया है आमने सामने बात किए, आप लोगों से ब्लॉग डाले, तो चलिए बीच बीच में डाल देती हूँ। अब ये जो ब्लॉग है ना शाम को ही मैं पोस्ट कर दूंगी क्योंकि ना वो शादी वाला भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो आप लोग दोनों एंजॉय कीजिए। और हाँ, शादी आप लोग को, मेरे गाँव की शादी, मेरी भतीजी की शादी कैसी लग रही है ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अभी तो धमाल वाला आना बाकी है मेहंदी में जो हम लोग डांस किए हैं, फिर बारात है, जयमाल है, दुल्हन की शादी, अभी तो फुल वीडियो बाकी है। अभी तो कितना पार्ट में बनेगा कह नहीं सकती हूँ बट हाँ, हल्दी वाला चला गया, अब आएगा इसके बाद मेहंदी रसम, उसके बाद आएगा नच्छू नहावन जो बोलते हैं लड़की को नहाया जाता है वो रसम आएगा, उसके बाद कन्यादान की रसम आएगी, उसके बाद सिंदूरदान आएगा, लवा भुजाई आएगा, फिर आएगा विदाई लास्ट में। और विदाई के मोमेंट पे तो हर लोग कोरोना आ जाता है और वो मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है, लड़की का शादी का मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है। तो चलिए मैं बातें ज़्यादा नहीं करूँगी, वीडियो हो जाएगा लंबा, 6 मिनट मैंने बात करके आप लोगों का दिमाग खाली हूँ।
तो यही कुछ आज का रूटीन था बस मेरा, सुबह का मॉर्निंग का रूटीन यही होता है, जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा खाना बनाना होता है। और अगर मेरी मेड आने वाली, बर्तन वाली मेड है अभी, तो वो ना क्या करती, सुबह में आके ना बर्तन धो के और झाड़ू दे के चली जाती है, उनके पास टाइम नहीं है तो चली जाती हैं। और अभी आती हैं 10:30-11 बजे, तो फिर अगेन बर्तन धो लेती हैं और पोछा लगा देती हैं, तो कम्प्लीटली मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। शाम को मैं भी फ्री होती हूँ, वो भी फ्री होती हैं, तो अभी सब खाना वाना हो जाता है, तो बर्तन खाली हो ही जाते हैं मेरे घर में, तो बस हम हस्बैंड और मेरी बेटी के अलावा कोई और है नहीं। तो बस चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अब मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ, मुझे भी मेडिसिन लेने हैं, मैं नाश्ता कर ली, अब मैं मेडिसिन लूँगी और मेडिसिन लेने के बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि पता नहीं कैसा दवाई है, खाने के बाद मुझे अगर नींद आ ही जाती है, और इतना भयानक वाला नींद आता है ना कि 4 बजे के शाम को तो मैं उठती नहीं हूँ, अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं करती हूँ, 4 बजे के बाद ही कॉल करती हूँ, तो 4 बजे के बाद ही कॉल करती हूँ। तो चलिए, अब मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मेरा शाम का रूटीन कैसा रहता है, शाम को मैं कैसे खाना बनाती हूँ, तो अब उसका भी मतलब उसका अलग से ब्लॉग लेके आ जाऊँगी। एक ही दिन पूरा दिन कंप्लीट कंटिन्यू कैमरा उठा के रहना मेरे से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि तबीयत खराब है, मुझे रेस्ट भी करना है, अपना ध्यान भी रखना है, और साथ में बीवी बच्चे और पति का भी ध्यान रखना है, खाना भी बनाना है, तो सब काम करना होता है। बीमार हूँ मुझे पता है, कोई करने वाला है नहीं और मुझे ही करना होता है, तो फिर मैं शाम का रूटीन शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ, और मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी कहीं है आप शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक भी लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पे मैं रील हमेशा बनाते रहती हूँ, अपडेट डेली रहती हूँ। तो चलिए, अब मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक लिए आपसे लेती हूँ विदा और करती हूँ आप लोगों को, बाय बाय।